ओम नमः शिवाय। दोस्तों कैसे हैं आप सब, आपका स्वागत है मेरी आज की इस वीडियो में। तो आज मैं बना रही हूँ रसमलाई। तो ये ज़्यादा चिपचिपा हो गया क्योंकि जो शैना मम्मी ने बनाया था वो फुल क्रीम मिल्क का ही बना दिया उन्होंने। तो ये मैंने शैना बॉल बना ली है, अभी दो ही बनाए वाले मैं ट्राई करूँगी। एक डाल के इसको हम डालेंगे चाशनी में, पहले चाशनी बना लेंगे और जब उसमें उबाल आने लगे तो फिर, अभी मैं ये चाशनी बना रही हूँ, जब तक चीनी पिघले ना तब तक इसको चाशनी को हिलाते रहें। तो उसके बाद जो है इसमें ये छैना बॉल हमने ऐड करने हैं। तो डर भी लग रहा था, फर्स्ट टाइम बना रही हूँ कि बनेगा भी कि नहीं, ख़राब ना हो जाए मटेरियल सारा। तो मैं सबसे पहले एक छैना बॉल इसमें डाल के देखूँगी, अगर बिगड़ेगा नहीं तो फिर मैं ये सारे मटेरियल का बना दूँगी। तो मुझे डर लग रहा है कि कहीं ये चाशनी में टूट ना जाए, पर ये नहीं टूटी। तो मैंने बाकी सारे शैना बॉल्स भी इसमें डाल दिए। एक ही गलती हुई मुझसे कि मैंने इनको पतीली में डाला, फ्लैट सरफेस वाला कोई बर्तन होगा उसमें बनाना अगर आप बनाएंगे तो। मैं भी फर्स्ट टाइम बना रही थी, मुझे पता नहीं था, तो ये नीचे पतीली के साथ चिपक गया उसके बेस के साथ। तो अभी ये शैना बॉल बन गए हैं, उसके बाद मैं रबड़ी बनाऊंगी। तो चलिए दोस्तों अब मैं बना लेती हूँ रबड़ी। इसमें हमने डाला है दूध, तो दूध को हमें करना है गाढ़ा, ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं करना क्योंकि ठंडा होने के बाद ये और ज़्यादा जम जाता है, गाढ़ा हो जाएगा। तो ये रबड़ी में कलर देने के लिए, इसमें दूध में जो कलर देने के लिए सब केसर वगैरह का यूज़ करते हैं, फूड कलर भी आता है, तो मेरे पास दोनों चीज़ें अवेलेबल नहीं थी। तो ऑर्गेनिक हल्दी थी मेरे घर पे, तो मैंने थोड़ी सी, बिल्कुल थोड़ी सी जो है इसमें डाली, जिससे जो है रबड़ी का अच्छा कलर आ जाएगा। और इसमें मैंने ड्राई फ्रूट ऐड किए, बादाम और काजू ही थी मेरे पास, तो वो मैंने इसमें ऐड कर दिए ताकि ये नरम हो जाए, और बिल्कुल थोड़ी सी शुगर। और ये है रोज़ पेटल, जो रोज़ की पत्तियाँ, ये मैंने घर पे ही सुखा के रख ली थी कि कभी कोई डिश बनाए तो उसमें गार्निश में भी काम आती हैं, फ्लेवर देने के लिए भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने ये रबड़ी बनाई है, जो हर एक चीज़ जो है वो घर से ही यूज़ की है मैंने, बाहर से कुछ नहीं लाया है, और सब कुछ जो है ऑर्गेनिक है। एक शुगर जो है वो ऐड की है मैंने इसमें, तो मैंने लाइट शुगर ही डाली है, ज़्यादा नहीं डाली है। तो ये जो छैना बॉल हैं ठंडे हो चुके हैं, तो अगर छैना बॉल ठंडे हो चुके हैं तो हमें गरम गरम रबड़ी उसके ऊपर डालनी है ताकि ये जो है रबड़ी को एब्जॉर्ब कर लें अपने अंदर। तो उसके लिए हमें 3-4 घंटे इसको ऐसे रख देना है और उसके बाद हमें इसको खाना है। तो अभी मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ तो ये एब्जॉर्ब कर रहा है, आपको वीडियो में दिख रहा होगा, ये छैना बॉल जो है रबड़ी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो दोस्तों ये हमारी रसमलाई बनके तैयार हो गई है, 3-4 घंटे हमने इसको रखा था, इसके बाद मैं अब ये इसको सर्व कर रही हूँ। और आप भी इस तरह से बनाइएगा और बताइएगा मुझे कि कैसी बनी है। तो ये था मेरा आज का ब्लॉग, मिलते हैं मेरे अगले ब्लॉग में, और इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहिएगा। धन्यवाद।